बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस शाह ऑफिशियल। तो सबसे पहले आप ये बताएं, आप कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से हैं। तो आप सब जानते हैं कि मैं जो है, हम लोग कहीं जा रहे थे और आज मैं आपको ये बताऊँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जैसे कि आपने मेरे टाइटल से देख ही लिया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम जो है उम्रा करने जा रहे हैं। और हम कौन कौन जा रहे हैं वो भी आपको बताऊंगी। तो उससे पहले थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह थी, वो हमारी मुकम्मल होने वाली थी। जहरी सी बात है, जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, शॉपिंग भी उसी तरीके से उसी हिसाब से होगी। हम वहाँ कितना टाइम रहेंगे, कितने दिनों का उम्रा लगा है, वो भी सब आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आज जो है हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं कि थोड़ा से शाह के कपड़े वगैरह लेने थे और एहराम लेना था, और उसके अलावा एक दो और चीज़ें लेनी थी। तो मैंने कहा कि साथ में मैं वो ब्लॉग भी बना लेती हूँ और ये आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो हम लोग जो है अब निकल चुके हैं, काफ़ी हम लोग आगे आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग जा रहे थे। सबसे पहले तो हम जाएंगे पैसे निकलवाने, क्योंकि हम लोग एटीएम जाएंगे, हमारे पास फ़िलहाल पैसे नहीं है। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं, अब यहाँ पे हम रुकेंगे और यहाँ से पैसे निकलवा लेते हैं। और यहाँ से हम लोगों ने पैसे निकलवाने हैं, तो अभी ये भी समझ नहीं आ रही कितने निकलवाएँ, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है कि हमारे पास कितना टाइम है। हमारे पास और भी बहुत सारे काम थे, तो जिसकी वजह से हमें ये है कि हो सकता है हमें ज़्यादा टाइम वहाँ पर ना रुकना पड़े, हमें जल्दी वापस घर आना पड़े। तो हमने यहाँ से पैसे निकलवा लिए और हम मेन यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू लग रहा है। तो आमतौर पर देखने में इतना खूबसूरत नहीं लगता जितना खूबसूरत ये वीडियोज़ में भी आपको यहाँ पे लग रहा है। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं और हम फ़िलहाल जाएंगे, फ़िलहाल हम लोग जाएंगे जे रोड पर जाएंगे और वहाँ से हम लोग शॉपिंग करेंगे। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर मुझे तो देख रही हूँ कौन सा पसंद आएगा। मुझे तो यहाँ पे काफ़ी पसंद आ जाते हैं। असल मसला शाह का, शाह को कलर में बहुत ज़्यादा मसला होता है, इनको बहुत मुश्किल से कलर पसंद आते हैं। तो यहाँ पे ऑफ़ में लगे हुए थे, तो हमने कहा जैसे ऑफ़ में लगे हुए हम भी जल्दी से शॉपिंग कर लें। तो मुझे जो जो पसंद आते हैं वो शाह को नहीं पसंद आते, जो शाह को आते हैं वो मुझे नहीं पसंद आते। खैर इन्होंने अपनी मर्ज़ी ही करनी, इनको एक पसंद आया है, ये खैर प्यारा है। लेकिन अब कितनी देर लगती है ये कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि पसंद इनकी थोड़ी सी है मुश्किल। तो चलें इंतज़ार कर लेते हैं, इनको पसंद करने देते हैं, देख लेते हैं, एक दो ये ट्राई भी कर लेंगे ताकि सही से पता लग जाए। तो एक दो हम सूट यहाँ से ले लेंगे, उसके अलावा हम फिर कहीं और चलेंगे, अलमीरा वगैरह पर, या जिधर से इनको पसंद आए। ये वैसे वाइट में देख रहे थे, लेकिन वाइट में इतने यहाँ पर अच्छे नहीं लगे हुए थे। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके इनको एक सूट पसंद आ तो गया है, एक इन्होंने पसंद कर लिया। अब जाएंगे ट्राई करेंगे और फिर देखेंगे कि इनको जो है वो कैसा लगता है और पहना हुआ सही फिटिंग इनको सही आती है या नहीं। वैसे तो इनका जो साइज़ है वो उसी में सेट आ जाता है, लेकिन फिर भी एक दो अच्छे सूट लेने थे, तो उसकी वजह से इनको लाजमी ही ट्राई करने पड़ेंगे। तो खैर ये उठा लिए इन्होंने सूट, और अभी इनको शुक्र है पसंद आ गया एक ब्लैक कलर का। और मुझे तो वैसे ब्लू भी बहुत पसंद था, लेकिन फ़िलहाल इनको ब्लैक कलर ही ज़्यादा पसंद था। तो मैंने कहा चलें ठीक है, जो आपको पसंद हो वही कलर देख लें। इन्होंने दोनों निकाल लिए हैं, ब्लू भी बहुत प्यारा लग रहा है और ब्लैक भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। खैर जो पसंद तो इनकी ही बात है, जो इनको पसंद आएगा हम भी वही लेंगे, क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं करनी है ना, फिर पहने ही ना बाद में। तो अच्छा यही है कि जो इनको पसंद आता है वही ले लें, और फिर जो है बाद में मुझे ना कुछ कहें। तो अब इनको फ़िलहाल ब्लैक कलर पसंद आया है, तो ये कह रहे हैं जी मुझे आज यहाँ पे रश भी नहीं है, कोई लोग भी नहीं है। तो फ़िलहाल इन्होंने ब्लैक कलर निकलवा लिया है और ये ट्राई कर रहे हैं, लग तो इनको बहुत ही ज़्यादा प्यारा रहा है। पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। वैसे आप बताएँ कि कैसा लग रहा है ब्लैक कलर। थोड़ा सा पेट निकल गया इनका, पेट इनका अंदर करवाना पड़ेगा, और एक्सरसाइज भी इन्होंने कुछ छोड़ी हुई है। तो अब इनको वैसे ये सूट प्यारा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो चलें यही डन करवा लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग एहराम लेने हमने जाना है। तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं एहराम लेने,
तो यहाँ पे कितने ज़्यादा अहराम ये इन्होंने खुलवा लिए हैं, लेकिन इनको पता नहीं कैसा चाहिए और कौन सा इन्होंने लेना है। खैर, जो भी इनको पसंद आया वो हम लेंगे और उसके बाद फिर जो है हम लोग घर के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि इनको कॉल आ रही है बार बार कहीं से, तो ये वाला तो नहीं पसंद आया इनको, ये भी नहीं पसंद आया। खैर, वो और भी निकाल के दिखा रहे हैं, जो भी इनको पसंद आया वो रखेंगे, नहीं पसंद आया तो फिर कहीं और चलेंगे और कहीं और से देखेंगे। मुझे तो लगता है राम में भी कोई पसंद होती है, खैर हर किसी की अपनी वो होती है। खैर, इनको कौन सा पसंद आता है, अल्लाह करे जल्दी पसंद आ जाए। उसके बाद इनको कॉल हो चुकी है और अब इनको जाना पड़ेगा। हमने जे रोड से भी शॉपिंग कर ली है, अब इनको वापस जाना पड़ेगा और फिर किसी दिन हम इंशाल्लाह आएंगे। तो अब जो है हम वापसी के लिए निकल पड़े हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, इसीलिए मैं पहले ही आपको बताया था कि कोई पता नहीं है शाम को किस टाइम कॉल आ जाए। तो इन्होंने वहाँ पर भी जाना, जहाँ पर जाना है वहाँ पर भी लाजमी है। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ हमने सूट लिए हैं और उसके अलावा अहराम हमने पसंद कर लिया था, अल्लाह का शुक्र है इनको अहराम पसंद आ गया, हमने वो ले लिया और वो हम लोग कॉल लेकर वापस जा रहे हैं। बाकी शॉपिंग इंशाल्लाह होती रहेगी। वैसे बाज़ार आना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल से होती है। मुझे तो खैर तबीयत ही, सुबह के टाइम अगर जाऊँ तो तबीयत डाउन होने लग जाती है, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा होता है, रात में शॉपिंग अच्छे से हो जाती है। तो आज के दिन तो बस इतनी ही शॉपिंग हो चुकी है और अब हम घर जा रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह फिर शॉपिंग करते रहेंगे। तो अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए दे दे मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।